खबर वाराणसी से है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित महिला महाविद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय के प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन और कुलजीत के साथ प्रारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय सेमिनार का मुख्य विषय आजादी के 75 वर्षों के बाद राष्ट्र निर्माण में आदिवासी महिलाओं की भूमिका विषय था। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च न्यू दिल्ली एंड इंस्टीट्यूट एनिमेशन था। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में आदिवासी महिलाओं की विरासत को बढ़ावा देना था। आजादी फिल्म आदिवासी महिलाओं का विशेष योगदान रहा, जिनको भुलाया नहीं जा सकता। महिला महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिमा गोर्ड ने कहा कि हमारे ये 2 दिवसीय सेमिनार आजादी के 75 वर्षों के बाद राष्ट्र निर्माण में आदिवासी महिलाओं की भूमिका पर आधारित है। आने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने आगे कहा कि आदिवासी नायिकाएं जो इतिहास में कहीं गुम हैं, उनको प्रॉपर प्लेस नहीं मिला, उनका नाम कहीं दर्ज नहीं है। ऐसी बहुत से नायक आए हैं जिनको सेमिनार के माध्यम से मुख्य पटल पर लाने का प्रयास किया गया। प्रधानाचार्य महिला महाविद्यालय रीता सिंह ने कहा कि प्रोफेसर टीपी कटामनी मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन दौर में हम लोग महिला महाविद्यालय समाजशास्त्र विभाग की तरफ से सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें ट्राइबल विमान के रोल, आज़ादी के पूर्व क्या रोल और आज़ादी के पश्चात इनकी क्या भूमिका है, किस प्रकार से अपने अधिकारों का प्रयोग करके एक स्थान पर अपना ग्रहण किया, अपने अधिकारों का प्रयोग करना वह सीख रही हैं, एक शिक्षाविद के रूप में हम लोग उनको किस तरह से जागरूक कर सकते हैं। इस सेमिनार के माध्यम से रणनीति व्हाट्सएप में हम लोगों को तैयार करने का प्रयास किया। जमीनी स्तर पर जाकर हम लोग वर्क करने का प्रयास करेंगे। मुख्य अतिथि ने कहा कि रोटी बनाना भी राष्ट्र निर्माण में एक योगदान देता है। हर व्यक्ति के कार्य को महत्व दिया जाए, जो एक समय में गांधी जी ने ये बात कही थी, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य ऑर्गेनाइजर प्रतिमा गोड रही। कार्यक्रम में लगभग 250 डेलीगेशन उपस्थित थे। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिमा गौंड, मैं समाजशास्त्र विभाग में महिला महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। और हमारा ये 2 दिवसीय सेमिनार है और ये रोल ऑफ ट्राइबल वीमेन इन नेशन बिल्डिंग आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक पे आधारित है, जिसमें हमने ये देखने का प्रयास किया है कि जो नेशन बिल्डिंग है उसमें जो ट्राइबल आदिवासी नायिकाएं हैं जो इतिहास में कहीं गुम हैं, उनको प्रॉपर कहीं प्लेस नहीं मिला, उनका नाम कहीं दर्ज नहीं रहा। तो ऐसी बहुत सारी नायिकाएं हैं जिनको इस सेमिनार के माध्यम से हमें मुख्य पटल पर लाने का हमारा एक योजना है। आज के चीफ गेस्ट जी, आज के चीफ गेस्ट हमारे प्रोफेसर टीवी कटामणि, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ट्राइबल स्टडीज़ के वाइस चांसलर हैं, तो वो हमारे चीफ गेस्ट रहे। नई शिक्षा नीति क्या योगदान है सर का? नई शिक्षा नीति पे सर का क्या योगदान? नई शिक्षा नीति पे सर एक तो इस कमेटी में है और बहुत सारे बिंदु हैं, जैसे स्पेशली जो स्त्रियां हैं पढ़ नहीं पाती हैं, 2-3 साल पढ़ने के बाद उनकी पढ़ाई छूट जाती है, तो इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे लेकर के सर अपना काम कर रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि उनका ये प्रयास है, इवन पूरी NEP का ये प्रयास है कि समाज के हर वर्ग को उसका एक प्रॉपर प्रतिनिधित्व मिले, प्रॉपर स्पेस मिले पढ़ने का, ड्रॉप आउट की संख्या कम हो। जो लगभग ये 250 डेलीगेट्स हैं हमारे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन दौर में हम लोग महिला महाविद्यालय समाजशास्त्र अनुभाग की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें ट्राइबल वीमेन के रोल, जो कि आज़ादी के पूर्व क्या रोल था और आज़ादी के पश्चात उनकी क्या भूमिका है और किस तरीके से उन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग करके एक स्थान अपना ग्रहण किया है और अपने अधिकारों का प्रयोग करना वो सीख रही हैं। और हम लोग एज अ एजुकेशनिस्ट हम लोग किस तरीके से उनको और जागरूक कर सकते हैं, इस विचार विमर्श द्वारा हम लोग एक स्ट्रैटेजी तय करने का प्लान किए हैं और जिसमें हम लोग ग्रास रूट लेवल पे जाकर वर्क करेंगे और उन महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में, और क्योंकि वो अपने आप में इतनी सशक्त हैं, बस आगे बढ़ के बोलने की बात है। आज भी वो ग्रास रूट लेवल से जुड़ी हुई हैं और अपने अधिकारों को जानते हुए भी अपने संस्कृति को बचाई हुई हैं, अपने धरोहर को सुरक्षित रखी हुई हैं। तो अब राष्ट्र निर्माण में उनके छोटे से कार्य का भी क्या योगदान है और हम उसको किस तरीके से और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ले जा सकते हैं, जिसमें 2020 के NEP में जो भी
जो प्रोग्राम बना है महिलाओं के एजुकेशन के लिए, जिसमें कैसे ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं और उनको कैसे एजुकेशन ड्रॉप आउट उसके बाद भी उनको एक शिक्षा कैसे हायर एजुकेशन में ले जाया जा सकता है, स्थानीय भाषा को कितना महत्व तो दिया गया है कि हमको जिससे हम अपनी स्थानीय भाषा के लिए शर्मिंदा ना हो, चुप न रहें, हम स्थानीय भाषा से हीनता का शिकार ना हो, हम अपने स्थानीय भाषा को लेते हुए हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, इसका प्रयास हम लोग इस सेमिनार के माध्यम से। कितने दिनों का ये सेमिनार? 2 दिन का ये सेमिनार है जिसमें देश भर के सभी लगभग सभी विश्वविद्यालय से लोग आए हुए हैं और इसमें अपना पेपर प्रेजेंट किया है। लगभग 250 प्रतिभागी हैं और बहुत सी फैकल्टीज़ भी आई है जो कि इसमें अपने विचारों का आदान प्रदान करेगी। और अच्छी बात यह कि हमारे प्रोफेसर कुट्टमणि सर, जो कि जिन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपना योगदान दिया है और उसके एक मेंबर हैं, सक्रिय मेंबर हैं, और किस तरीके से अनुवाद किया जाए इंग्लिश अंग्रेजी पुस्तकों का और दूसरी भाषा के पुस्तकों का स्थानीय भाषा में, तो सर हमारे विशिष्ट अतिथि थे।